दोस्तों, काली बिल्ली अगर रास्ता काट जाए या बाहर निकलते समय कोई पीछे से हमें टोक दे या छींक दे तो हम अक्सर शंकाओं में खिंच जाते हैं। हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं और हम ये सोचते हैं पता नहीं हमें अपने काम में सफलता मिलेगी भी या नहीं। ये हमारा विश्वास है, अंधविश्वास, या इसके पीछे भी कोई तर्क है? कभी सोचा है आपने इसके बारे में? चलिए हम आपकी ये शंका अभी दूर कर देते हैं, क्योंकि हमारा आज का विषय है विश्वास और तर्क। और इसी विषय पे बातचीत करने के लिए मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ वर्ल्ड रेनाउंड वैदिक साइंटिस्ट डॉक्टर सत्यनारायण दास का। वैदिक साइंटिस्ट डॉक्टर सत्यनारायण दास, हरियाणा के एक गांव के किसान परिवार में जन्मे सत्यनारायण दास ने IIT दिल्ली से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डिग्री हासिल की है। अमेरिका में नौकरी करते हुए आपने ये महसूस किया कि वहाँ लोग धनी होते हुए भी दुखी हैं, उनकी जिंदगी में एक अधूरापन है। दूसरी तरफ आपने भारतीय वैदिक कल्चर की संपूर्णता को देखा, साथ ही भारतीयों को इस संस्कृति को भूलते हुए भी महसूस किया। तब भारत आने के बाद आपने संस्कृत में PhD की एवं गुरु शिष्य परंपरा से वैदिक फिलॉसफी का अध्ययन किया और कई पुस्तकों का लेखन, संपादन एवं अनुवाद भी किया। अब आपकी जिंदगी का यही एक उद्देश्य बन गया कि जीवन से जुड़ी लोगों की उलझने और सवाल जो जवाब के लिए तरस रहे हैं उन्हें वैदिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सुलझाया जाए और घर घर में आनंद पहुंचाया जाए। So friends, let's welcome Dr. सत्यनारायण दास। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे जीवानंद प्रोग्राम में। नमस्कार जी। तो डॉक्टर साहब, आज का हमारा विषय बहुत ही गंभीर है जिसका नाम है विश्वास और तर्क। हाँ जी। तो अक्सर हम लोग अलग अलग तरह के विश्वास अपने मन में रखते हैं, कहते हैं मेरी आज दाईं आंख फड़की है मतलब कुछ ना कुछ अच्छे होने वाला है, या बाईं आंख फड़क रही है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। हाँ, तो इस तरह के तर्क देते हैं वो इन बातों में। तो ये जो उनके तर्क होते हैं ये सही होते हैं या गलत? ऐसा है निर्जा जी, ये विषय जो है ये थोड़ा गंभीर है जी, क्योंकि जिन विषय की आप बात कर रही हैं इनको बोलते हैं शकुन, और इसका भी एक शास्त्र है जिसको शकुन शास्त्र बोलते हैं। शकुन शास्त्र? हाँ, और ये पूरे दुनिया में ही लोगों के कुछ ना कुछ शकुनों में विश्वास होते हैं, ओमन्स बोलते हैं इसको, और हर एक कल्चर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको मानते हैं, जैसे बिल्ली रास्ता काटने वाली बात है तो ये वेस्ट में भी इसको मानते हैं जी। इसके पीछे क्या रहस्य है उसको मैं बताऊँगा, और इन चीज़ों में हमें विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसको भी मैं बताऊंगा। ऐसा कि पहले हमारे लोग जो हैं वो प्रकृति के बहुत करीब थे, जैसा आज तो साइंस ने इतनी तरक्की की है, हमारी जीवन शैली बदल गई है, हम शहरों में रहते हैं और एक प्रकार से हम प्रकृति से दूर आ गए हैं। पहले मनुष्य जो है प्रकृति के बिल्कुल करीब में रहता था और प्रकृति की नब्ज को समझता था जी, और पूजा भी करते थे वो तो पहले देवता वृक्षों की और नदियों की। तो प्रकृति में कुछ इस प्रकार के बदलाव आते हैं, जैसे आप सिग्नल्स भेजते हैं जी और आपका मोबाइल बजता है तो आपको पता चलता है कि किसी का फ़ोन आ रहा है, तो जो इस मोबाइल को नहीं जानता है वो तो सोचेगा कि यार इसमें क्या बात है कि ये बजा और इसने उठाया और अब बात वहाँ से करने लगी। तो इसी प्रकार हमारी प्रकृति में हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेज आते रहते हैं, और इस चेंजेस को पुराने लोग जो हैं वो समझ सकते थे कि अब किस प्रकार की घटना घटने वाली है। जैसे अगर आंधी आए उससे पहले आकाश का रंग बदलता था तो रंग से उनको पता चलता था कि किस प्रकार की आंधी आने वाली है, या चींटी देखने से पता चलता था कि बारिश आने वाली है, या कई बार भूकंप आता है तो चिड़ियाएँ जो हैं वो आवाज़ करने लगती हैं। तो ये उनका प्रकृति का पढ़ने का तरीका था। अच्छा। लेकिन इस बीच में कुछ ऐसी चीज़ें भी घुल मिल गई हैं जिनके पीछे वास्तव में कोई तर्क या सिद्धांत नहीं है, तो आज इन चीज़ों को अलग करना कि कौन सी ठीक है कौन सी गलत है ये बहुत मुश्किल बात हो गई है। मतलब ऐसे कुछ विश्वास है जिनके पीछे कोई कहानी नहीं है, जैसे काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया। हाँ, तो इसका वास्तव में कोई तर्क नहीं है। अच्छा। इसके पीछे कोई सिद्धांत नहीं है, या फिर ये हो सकता है किसी एक के साथ कुछ हुआ हो और फिर वो प्रथा बनती चली गई, प्रथा चल जाती है। जैसे आपने बिल्ली की बात की, मेरे को एक छोटी सी कहानी याद आ गई जी, आपकी कहानी। एक मंदिर था और मंदिर में पुजारी जी पूजा करते थे तो पूजा करने के बाद में जो भगवान को भोग लगाया जाता है, आरती के बाद में भोग लगाते थे, तो वहाँ मंदिर में चूहे थे, तो रोज चूहे आके जो है भोग में जो है कुछ हिस्सा ग्रहण कर लेते थे ठाकुर जी के साथ, तो भगवान को तो कोई परेशानी नहीं है जी, झूठा कर ये करते हैं ये भी खाने दो इनको भी।
तो पुजारी को इस बात पर बड़ी परेशानी हुई, अब करे क्या, भोग के समय वहाँ बैठ भी नहीं सकता है, डिस्टर्ब भी नहीं कर सकता है क्योंकि पर्दा लगा दिया जाता है जी। तो किसी ने बताया कि ऐसा करो, एक बिल्ली ले आओ और जब आप भोग लगाओ तो बिल्ली को पास में ही बांध दो, तो बिल्ली को देख कर ही चूहा नहीं आएगा। अच्छा। तो पुजारी ने सोचा बात तो सही है, तो पुजारी जी ने एक बिल्ली खरीद ली और बिल्ली को भोग के समय जो है वहाँ बांध देता था तो चूहों की समस्या समाप्त हो गई। अब धीरे धीरे जैसे समय बीता, मंदिर का रेनोवेशन हुआ, अच्छा मंदिर बन गया, वहाँ चूहे नहीं थे, लेकिन बिल्ली बांधने की एक प्रथा जो है वो चल गई। अच्छा। और फिर उन पुजारी जी का देहांत हो गया, फिर दूसरे पुजारी आए तो उनको भी बताया गया कि जब पूजा करो तो बिल्ली को यहाँ बांधो। अच्छा। तो उसका नाम ही हो गया कि कैट सेरेमनी। अच्छा। कि भाई बिल्ली लाओ। तो उस समय वास्तव में चूहे नहीं थे मंदिर में और उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, और ये जो नए पुजारी आए इन्होंने सोचा कि ये बिल्ली जो बांधी जाती है ये भी पूजा का ही अंग है। अच्छा। तो इस प्रकार से जो कई प्रथाएं चल पड़ती हैं जिनका कहीं पर कोई वास्तविक कारण रहता है और बाद में वो कारण ना हो और उसकी आवश्यकता ना हो तो लोग उसमें विश्वास करने लगते हैं, लेकिन फिर आगे उस चीज़ की कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहती। तो इसी प्रकार हो सकता है कि किसी के पास ये घटना घटी कि बिल्ली काट गई रास्ता और उसका कुछ अनिष्ट हो गया, तो उन्होंने सोचा कि बिल्ली का रास्ता काटना जो है ये अपशकुन है, तो सब ऐसे ही मानने लगे। लेकिन मैं इसमें कुछ तथ्य नहीं देखता हूँ, और सीधी बात तो यह है कि आप इसको स्वयं आजमा कर देख लीजिए। मैंने तो कितनी बार इसको आजमाया है कि बिल्ली ने रास्ता काटा, काली ने भी काटा और पीली ने भी काटा, फिर किसी ने कहा कि बाएं तरफ से जाए तो होता है, दाएं तरफ से। तो मैंने वास्तव में जानना चाहा कि इसके पीछे क्या वास्तविकता है, और मैंने पाया कि मेरा कुछ नहीं हुआ। मैं बड़ी बड़ी यात्राओं पर निकला, 1000 मील की भी कार से, तो भी कुछ नहीं हुआ। तो इस प्रकार की ये जो विश्वास की बातें हैं उनमें कुछ ऐसी नहीं है कि सभी गलत हैं। जैसे बचपन में हम सुनते थे कि भाई अगर आप पानी पीते हो या कोई चीज़ पीते हो तो बैठ कर पियो, नहीं तो गरीब हो जाओगे। अच्छा। तो इसके पीछे कारण है कि आयुर्वेद कहता है कि जब अगर आप बैठ के नहीं पियेंगे, खड़े पियेंगे, तो इससे आपके घुटनों में दर्द हो सकता है। अच्छा। और आपके घुटनों में दर्द होगा तो आप काम नहीं कर सकेंगे जी। काम नहीं कर सकेंगे तो गरीब हो जाएंगे जी। तो यहाँ तो कुछ रहस्य है, कुछ कारण है। तो जैसा मैंने कहा कि कुछ चीज़ें आपस में मिक्स हो गई हैं, किसी के पीछे कुछ वास्तविकता है, कुछ ऐसे ही अंधविश्वास है। तो हमें दोनों को ठीक प्रकार से समझकर चलना पड़ेगा, और कुछ चीज़ें हमारे जीवन में होती रहती हैं तो उनको भी देखना पड़ेगा कि वास्तविकता में ऐसा होता है या नहीं होता है। हमेशा ही हमें विश्वास ही नहीं कर लेना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आपने हमारी कुछ शंकाएं तो दूर की, लेकिन अभी हमारी दर्शकों के मन में भी काफ़ी शंकाएं हैं जो हमें पत्र के थ्रू उन्होंने लिखी हैं, ईमेल्स के थ्रू लिखी हैं। मैं उसमें से अभी एक ईमेल पढ़ना चाहूँगी, और ये ईमेल है राधिका की गुड़गांव से। ये कहती हैं कि मेरी मम्मी अक्सर हर काम पंडित से पूछ कर करती हैं, या यूँ कहिए कि वो अंधविश्वासी हैं, क्योंकि जैसा पंडित बताते हैं वो वैसा ही करती हैं, उसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा नहीं करना चाहती। इनफैक्ट कभी कभी तो उनके पंडित के बताए हुए द्वारा काम भी असफल हुए हैं। उनका ये कैसा विश्वास है, क्या ये सही है? तो राधिका जी, इसमें मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि आपकी माताजी जो पंडित से सलाह लेती हैं तो उस पर आप स्वयं ही एक्सपेरिमेंट करके देखें कि उनका कहना जो है वो कितना ठीक है, कितना गलत है। ये भी है कि कभी कभी गलत भी हो सकता है, लेकिन अगर पूरा ही गलत निकलता है तो उस पर विश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्योतिष एक शास्त्र है लेकिन उसके जानकार बहुत कम हैं। तो अगर वो ठीक प्रकार से बताते हैं, उनको ज्ञान है, तो विश्वास किया जा सकता है, लेकिन अगर उनकी बात गलत ही निकलती है तो फिर उस पर विश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ऐसा है नीरजा जी के, ज्ञान प्राप्त करने के कई तरीके हैं जी। एक तो हम देखकर, सुनकर, अपने अनुभव करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जिनका ज्ञान हमको शास्त्र से प्राप्त होता है या विश्वसनीय व्यक्ति की बात मानकर ही हम उसको जान सकते हैं। एक छोटा सा मेरे को इंसिडेंट याद आया, एक प्रीस्ट चर्च में लेक्चर दे रहे थे जी, फेथ और नॉलेज के ऊपर। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि देखो, मेरे सामने एक पति पत्नी बैठे हुए हैं और इनके 2 बच्चे हैं, तो ये पत्नी जानती है कि ये मेरे ही बच्चे हैं, ये इनकी नॉलेज है, लेकिन पति समझता है कि ये उसके बच्चे हैं, ये इनका विश्वास है। क्योंकि मेरे पिताजी कौन हैं ये केवल मेरी माताजी ही बता सकती है,
इसमें कोई तर्क काम नहीं करता है, कोई एक्सपेरिमेंटेशन काम नहीं करता है। हालांकि आजकल तो एक्सपेरिमेंट संभव है कि आप डीएनए टेस्ट कर सकते हैं जी। लेकिन पुराने ज़माने में तो केवल माँ की बात से ही विश्वास किया जा सकता है। तो ये एक उदाहरण है कि कहीं कहीं पर हमको विश्वास से ही कार्य चलाना पड़ता है, विश्वास से ही हमको ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि हर चीज़ को हम एक्सपेरिमेंट करके नहीं जान सकते हैं जी। और ट्रस्ट तो हर चीज़ का बेसिस होता है, विश्वास नहीं होगा तो कैसे काम होगा। हाँ जी। और दूसरा ये है कि जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो तो शास्त्र की श्रद्धा से ही प्राप्त होता है, क्योंकि अगर उसमें हम श्रद्धा नहीं करेंगे तो हम उस ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। और श्रद्धा विश्वास हर एक आदमी करता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर विश्वास ना हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में करे, क्योंकि श्रद्धामय अयम पुरुष है यो यत् श्रद्धा स एव स। ये जो पुरुष है, जो व्यक्ति है, ये श्रद्धा से ही बना हुआ है। ये विश्वास शब्द जो है ये बड़ा अच्छा शब्द है। ये जैसे श्वास है, तो जैसे हम श्वास लेते हैं तो उसी से हम जीवित रहते हैं जी। उसी से वी उपसर्ग लगा के विश्वास बना है। तो जैसे श्वास आवश्यकता है हमारे जीवन के लिए, ऐसे विश्वास भी आवश्यक है, क्योंकि विश्वास के बगैर हम जीवित नहीं रह सकते हैं। हमको अपने माँ बाप पर विश्वास है कि वो हमको शेल्टर देंगे, हमारी देख रेख करेंगे। अगर विश्वास नहीं हो तो हम चिंता में ही पड़े रहेंगे। आप कहीं नौकरी करती हैं तो विश्वास है ना कि महीने के बाद में आपको तनख्वाह मिल जाएगी। तो विश्वास और श्वास दोनों आवश्यक हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विश्वास जो है हमेशा अंधविश्वास की तरह कर लिया जाए, जिस मर्जी चीज़ पर हम विश्वास कर लें। तो मतलब कैसे डिफरेंशिएट किया जाए विश्वास और अंधविश्वास? तो एक्सपेरिमेंट से उसको देखा जा सकता है। अगर आपका विश्वास टूटता है बार बार किसी चीज़ पर या किसी व्यक्ति पर, तो आप कैसे उस पर विश्वास कर सकते हैं? तो शास्त्र की चीज़ें हैं जिनको लोगों ने परखा है, उनके जो बताए मार्ग हैं या वस्तुएं हैं उनको चले हैं और उनको अनुभव हुआ है। तो जब वो अनुभव होता है तो फिर उन पर विश्वास किया जाता है। और अगर उस पर आप विश्वास नहीं करेंगे तो आप उस ज्ञान से और उस अनुभूति से वंचित रह जाएंगे। इसलिए कृष्ण भगवान भी कहते हैं इस बात को कि अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति, कि जो हर चीज़ में संशय करता रहेगा, शक करता रहेगा, हाँ, तो उसको जो है क्या होगा, विनाश हो जाएगा। आपको कहीं ना कहीं तो विश्वास करना ही पड़ेगा ना। तो त्रिविधा भवति श्रद्धा देही नाम सा स्वभावजा। लोगों की श्रद्धा विश्वास तीन प्रकार की होती है, एक सात्विकी, एक राजसी और एक तामसी। अच्छा। तो सात्विक श्रद्धा जो है वो शास्त्रीय श्रद्धा या सत्पुरुषों में श्रद्धा या अच्छे ज्ञान में श्रद्धा, इसको सात्विकी। और जो गलत चीज़ों में जो लोग अंधविश्वास कर लेते हैं वो तामसिक श्रद्धा है। तो श्रद्धा या विश्वास तो लोगों का कहीं ना कहीं रहता है, लेकिन उस पर थोड़ा विचार करना चाहिए कि उसका भी कोई फाउंडेशन है या नहीं है। श्रद्धा विश्वास का भी फाउंडेशन कहीं ना कहीं तर्क में रहता है। तो ऐसी जो श्रद्धा है वो विश्वसनीय होती है और उस पर चलने से आदमी को कुछ अच्छी उपलब्धि प्राप्त होती है जी। डॉक्टर साहब, तो ये आपने बहुत अच्छा कैटेगराइजेशन बताया, सात्विक, राजसिक और तामसिक का। हाँ जी। तो अब हम दूर करते हैं एक और दर्शक की शंका, जो कि जबलपुर से हैं, रिद्धिमा। ये कहती हैं कि जनरली ये कहा जाता है कि भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, सब अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे साथ तो हमेशा ही बुरा होता है और मैं अक्सर फिर भी भगवान पर अपना विश्वास रखती हूँ, लेकिन बार बार मेरे साथ बुरा ही होता है और फिर मैं अपना विश्वास भगवान पर खो देती हूँ। मैं कैसे अपना विश्वास भगवान पर बनाए रखूँ? तो रितिमा जी, ऐसा है कि आप सोचती हैं कि बार बार आपके साथ बुरा होता है, लेकिन क्या आपने सोचा है कभी कि भगवान क्या सोचते हैं? आपकी बुरे की डेफिनेशन लगता है भगवान से नहीं मिल पा रही है, क्योंकि भगवान, अगर आप उनमें वास्तव में विश्वास करती हैं तो वो आपका बुरा नहीं करेंगे। एक व्यक्ति था, वो सड़क पर चला जा रहा था, और जब वो चला जा रहा था तो उसने सामने से आते हुए एक दूसरे व्यक्ति को देखा, और उस व्यक्ति ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा रहे थे और वो चिल्ला रहा था। लेकिन ये व्यक्ति जो आ रहा था दूसरी तरफ से, ये ऐसी जगह में था जो सामने से आने वाले व्यक्ति की भाषा को नहीं समझ पा रहा था, वो दूसरे देश में था। तो उसने सोचा कि ये आदमी मेरे को मारने आ रहा है, और वो बहुत डर गया और अपने को बचाना चाहा। लेकिन जो सामने से व्यक्ति ऊपर हाथ उठाए आ रहा था और कुछ बोल रहा था, उसने क्या किया कि जब वो पास में आया तो इस व्यक्ति के पीछे एक और आदमी था जो उसको मारने के लिए आ रहा था, उसने दौड़कर उसको पकड़ लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो व्यक्ति जो
सामने वाले व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर रहा था कि मेरी तरफ हाथ उठाकर और शायद मेरे को मारने आ रहा है, उसकी भाषा को भी नहीं समझ रहा था और सोचा कि ये मेरा कुछ अनिष्ट करेगा, लेकिन वास्तव में वो उसकी भलाई कर रहा था और उसकी रक्षा करने के लिए वो दौड़ रहा था। तो कई बार हम सोचते हैं कि हमारे साथ में कुछ बुरा होने जा रहा है और यह बुरा हो गया है और भगवान जो है वो हमारी रक्षा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा सोचना गलत है। जैसे कि ये आदमी सोच रहा था कि सामने से जो आदमी आ रहा है ये कुछ मेरे अनिष्ट करेगा, मेरे को मारेगा, जबकि वो उसकी रक्षा करने के लिए आ रहा था। तो हम भगवान की भाषा को नहीं समझते हैं, इसलिए हम सोचते हैं ऐसा कि मेरे साथ बुरा हुआ और भगवान ने जो है मेरी इच्छा पूर्ण नहीं की। तो ऐसा सोचना गलत है, हमको इस प्रकार नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि भगवान आपके साथ बुरा करके क्या प्राप्त करेगा। भगवान तो स्वयं जो है अपने आप में पूर्ण हैं, परफेक्ट हैं, उन्हें कुछ चीज़ प्राप्त नहीं करनी है। वो अगर कुछ करेंगे तो आपकी भलाई के लिए ही करेंगे, ये विश्वास आपको रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, अभी आप शुरुआत में कुछ बात कर रहे थे शकुन शास्त्र के बारे में, जिसमें इन सब बातों का वर्णन है, कुछ उसके बारे में हमें और बताइए, क्या है वो? तो हमारे यहाँ अनेक प्रकार के शास्त्र हैं। वास्तव में हमारा भारत देश इतना समृद्ध है शास्त्र के विषय में कि ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिस पर आपको शास्त्र नहीं मिल जाए। यहाँ तक कि एक विमान शास्त्र भी है जिसमें विमान बनाने की तकनीकी बताई गई हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि ने लिखा था, हमारे पुस्तकालय में है उसकी एक कॉपी। तो एक शकुन शास्त्र भी है जो यही बताता है कि किस प्रकार के शकुन और उसका क्या फल होता है। तो ये सब पुराने जो लोग थे, ऋषि लोग जो थे, जिनको इन चीज़ों की अनुभूति थी, उन्होंने अपने अनुभव को लिखा है हमारी भलाई के लिए, ताकि हम उनसे जो है कुछ संकेत ले सकें, क्योंकि शकुन तो एक प्रकार का संकेत है जी, और उससे हमको एक प्रकार की गाइडेंस मिलती है कि आगे क्या होने वाला है, तो उसी प्रकार हम कदम उठा सकते हैं। तो ये एक शकुन शास्त्र इसी प्रकार का ज्ञान हमको देता है जी। डॉक्टर साहब, तो आज आपने हमें ये डाउट क्लियर किया कि विश्वास क्या है, अंधविश्वास क्या है और तर्क क्या है, और सबसे पहले हम ये जान लें कि वो हमारा विश्वास है वो सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है। तो चलिए हम इसी संदेश को आज यहाँ से लेकर जाते हैं इस शो में, और आपका एक बार फिर से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी बातें आपने हमारे दर्शकों को बताई। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। धन्यवाद।